हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शबाना स्किल क्लासेस और मैं हूं आपकी चैनल हो शबाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने दांतों को वाइट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि दांत हमारे फेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। क्योंकि जब भी हम किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र हमारे दांतों पर पड़ती है। अगर हमारे मुंह से बदबू आती है या हमारे दांत पीले हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ख़राब करता है और हमारे पीले दांतों की वजह से हमें भी काफ़ी बैड फील होता है। तो मैं आज इस वीडियो में लाई हूँ बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी, जिसे आप अपने दांतों को मोती की तरह सफ़ेद और चमकदार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साथ ही इसको बनाना भी बहुत आसान है और यूज़ करना भी बहुत आसान है। मैं इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको रीज़न बताऊँगी कि आपके दांत पीले होते क्यों हैं। इसके लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, साथ ही आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। अगर मेरी वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है हेयर ग्रोथ ऑयल पर, वो ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप उसे यूज़ करिए। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, साथ ही आपके न्यू बालों की ग्रोथ करेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमारे दांत पीले होने का क्या रीज़न है। सबसे पहले तो हम कभी कभी ऐसा कोई फूड या ड्रिंक ले लेते हैं जिससे हमारे दांतों में स्टेनिंग हो जाती है, जिससे हमारे दांत पीले हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, सही तरह से ब्रश नहीं करते हैं, जिसके रीज़न से हमारे मुंह से बदबू आने लगती है और हमारे दांत भी पीले होने लगते हैं। हमारे दांत स्मोकिंग करने से भी पीले होते हैं। कभी कभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। कभी कभी हम ऐसी कुछ दवाएं खाते हैं जो हमारे दांतों पर असर डालती हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत पीले हो जाते हैं। हमारा सबसे मेन रीज़न होता है इनेमिल लेयर का ख़त्म होना या डिस्ट्रॉय होना, क्योंकि इनेमिल लेयर जो होती है हमारे दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। इस लेयर से ही हमारे दांत सफ़ेद नज़र आते हैं। अगर ये लेयर ख़त्म हो जाती है तो ये हमारे दांत पीले नज़र आने लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे मेन रीज़न हमारा क्या है, इनेमल लेयर का ख़त्म होना। चलिए व्यूअर्स, रेमेडी बनाना शुरू करते हैं जिससे हमारे दांत मोती की तरह चमकेंगे और हमारी मुंह की बदबू भी ख़त्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये है सोडा, ये बेकिंग सोडा है, याद रखिएगा बेकिंग पाउडर नहीं लेना, हमें बेकिंग सोडा लेना है। यह है नींबू, और कोई भी आपको पेस्ट लेना है अनफ्लेवर, जिसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, हमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए, वाइट वाला पेस्ट लिएगा अनफ्लेवर, कोई भी कलर वाला यूज़ नहीं करिएगा। इसके अंदर हमें पेस्ट चाहिए, याद रखिएगा अनफ्लेवर लिएगा और वाइट वाला लिएगा। हमें नींबू चाहिए, आधा चम्मच सोडा था और हमने पेस्ट ले लिया है और इसमें एक चम्मच हमें नींबू ऐड करना है। इसको पहले से बनाकर नहीं रखिएगा, जब आप अपने दांतों को क्लीन करें तभी इसको बनाइएगा, तभी इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इसके अंदर इसको हमने डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स करिए, एक स्मूथ पेस्ट बना लिए। व्यूअर्स, बेकिंग सोडे से ब्रशिंग करने से हमारे दांतों में चमक आती है, साथ ही जो भी हमारे दांतों में स्टेनिंग हो गई है उसको भी ये रिमूव करता है, हमारे मुंह की बदबू को भी ख़त्म करता है और हमारे दांतों को भी ये वाइट बनाता है। अच्छे से कम 2 मिनट अच्छे से आप इसको स्मूथ पेस्ट बनाइएगा।
व्यूअर्स, जब ये अच्छा सा स्मूथ एक पेस्ट बन जाए तो आपको यूज़ कैसे करना है, जैसे हम पेस्ट लगाते हैं अपने ब्रश पर, इसी तरह से आप इसको लगाइएगा अपने ब्रश पर। जितना हम पेस्ट यूज़ करते हैं सिर्फ इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लिएगा, और इससे अपने टीथ को साफ़ करिएगा। यह आपके टीथ को साफ़ करेगा, साथ ही चमकदार बनाएगा, जो भी स्टेनिंग हो गई है उस चीज़ को ख़त्म करेगा। ये रेमेडी आपकी कैविटी में भी बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से, जब आप इसको यूज़ करेंगे आपके दांतों के सारे जम्स को ख़त्म करेगा, सारी गंदगी रिमूव करेगा, और रेमेडी यूज़ करने से आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। तो आप इसको यूज़ करिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। आपके दांत जब आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपके सारे दांतों की गंदगी हट जाएगी, आपके दांत सफ़ेद होने लगेंगे। व्यूअर्स, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में एक बार इसको यूज़ करिएगा, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बेकिंग सोडा हमें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नुकसान भी करता है। जो हमारी इनेमिल लेयर होता है, अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे सोडे को, तो हमारी इनेमिल लेयर को सोडा ख़राब कर सकता है। तो इसलिए इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही यूज़ करिएगा, कि सिर्फ हफ्ते में दो बार, जब आप पहली बार इस्तेमाल करें तो हफ्ते में दो बार, और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इसको आपको यूज़ करना है। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, सारी मुँह की बदबू ख़त्म हो जाएगी, आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे, दांत भी सफ़ेद रहेंगे, मोती की तरह चमकेंगे, और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब आप किसी से फेस टू फेस बात करेंगे तो आपको बैड फील नहीं होगा, क्योंकि आपके दांत एकदम मोती की तरह सफ़ेद हो गए होंगे, तो इसलिए आपको बैड फील होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एकदम अपने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, जो आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, जब आप मेरी ये होम मेड रेमेडी इसको यूज़ करेंगे, तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपने टीथ को साफ़ करेंगे, तो आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। आई होप मेरी वीडियो आज की भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।